सो हेलो गाइस, आज है हमारे पास में वीवो वाई 200 5G स्मार्टफोन और इसके मैं आपको 30 प्लस फीचर्स बताने वाला हूँ। जैसे गाइस आप अपने फोन को आप कान के पास में लेके जाएंगे तो किसी की भी कॉल पिकअप हो जाएगी, और आप चाहते हैं कि आपका फोन बिना टच करें किसी भी को कॉल लगा दें तो वो कॉल लग जाएगी, कान के पास में आपके फोन को लेके जाना पड़ेगा। और आप अपने फोन को डबल टैप करते हैं तो फोन अनलॉक और लॉक हो जाता है, और इसी तरह आप अपने फोन को सेक करेंगे तो फ्लैश लाइट चालू हो जाएगी, और आपको ना अपने फोन में चार्जिंग एनिमेशन मिल जाती है, यहाँ पर फिंगरप्रिंट एनिमेशन मिल जाती है, जो आप ना कैमरे में लाइट देख रहे हैं पीछे साइड में उसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह की लाइट आपको मैं सेल्फी कैमरे में भी लगा के बताने वाला हूँ। आपको कॉलिंग एनिमेशन मिल जाते हैं, नोटिफिकेशन एनिमेशन मिल जाते हैं, तो इसी तरह के काफी कमाल के फीचर्स इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए अब वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम एहसान है, आप देख रहे हैं टेक टू एहसान चैनल। तो यार पहले फीचर्स की बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पर अपनी गैलरी पर आना है, और गैलरी में आने के बाद में आप किसी भी ऐसे फोटो को या फिर वीडियो को हाइड करना चाहते हैं तो डायरेक्टली हाइड कर पाएंगे। यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देखेंगे गाइस हाइड वाला ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप डायरेक्टली हाइड कर पाएंगे इनको। अब मैं आपको बता दूं ये जो हाइड वाली वीडियो है या फिर फोटो है आप उसे कैसे देखेंगे। आप यहाँ एल्बम में आएंगे और यहाँ पर सेटिंग में क्लिक करेंगे, और सेटिंग में क्लिक करने के बाद में हाइड फोटो वाला ऑप्शन मिल जाता है, हाइड फोटो में क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं आपने कितनी सारी फोटो हाइड करके रखा है या फिर वीडियो हाइड करके रखा है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट गाइस आपको अपने फोन की ना यहाँ पर सेटिंग पे चले जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद में इसमें बहुत सारे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाते हैं, इसलिए आपको ना यहाँ पर लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर आना है, और यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो मिल जाते हैं जो कि हम सेट करने के बाद में हमारा फ़ोन बंद रहता है तो तब दिखते हैं, मगर मैं आपको बता दूँ ये जो आपको देखने को मिल रहा है ना ये वाला, ये बहुत ज़्यादा अच्छा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। मतलब कि देखो अभी नाइट ही तो नाइट की तरह काम करेगा, यदि फिर ये दिन हो जाएगा तो दिन की तरह काम करेगा, शाम होगा तो शाम की तरह काम करेगा। जैसे टाइम टाइम आपका बदलता है वैसे ही आपका जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो भी बदलता है। अब बात कर लेते हैं अगले फीचर्स की। इसके लिए आपको बैक आना है, यहाँ पर आप खुद का नाम भी लिख सकते हैं गाइस, जैसे कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में अपना नाम आप डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल पाएंगे, जैसे कि हम हमारा नाम लिख लेते हैं यहाँ से। अब हमने लिख दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो साइज है वो आप ऐसा कहीं पर भी रख सकते हैं, आइड साइड में या फिर सेंटर में जैसे भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। अब नेक्स्ट फीचर्स के लिए आपको यूआई कलर पर क्लिक करना है। यूआई कलर में आप देखेंगे आपका जो यूआई कलर है अभी सैंपल है, अब यहाँ पर आपको इसे इनेबल कर देना है। अब इनेबल करने के बाद में आप देखेंगे आपका जो यूआई कलर है वो इधर से चेंज हो गया होगा, इधर देख सकते हैं आप ये जो कलर है हमारा अलग देखने को मिल रहा है। इसी तरह आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये ग्रीन कर लिया, अब आप देखेंगे जो आपका फोन का सारा कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी आप ये जो लाइन है वो देख सकते हैं। इसी तरह आप जहाँ पर भी जाके देखेंगे तो आपका जो यूआई का कलर है ना वो ग्रीन देखने को मिलेगा। इसी तरह आप वॉलपेपर के हिसाब से लगाना चाहते हैं कि आपका यूआई कलर वॉलपेपर के हिसाब से चेंज होता रहे तो यहाँ पर आपको वॉलपेपर के हिसाब से कलर भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आने के बाद मैं आपको बता दूं अभी जो हमारे आइकन है ऐसा नॉर्मल आइकन देखने को मिल रहे हैं, मगर गाइस मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको जाना है अपने यूआई कलर में, और जो आइकन है ना ये वाला फीचर से इसे आप चालू कर लेना। चालू करने के बाद में क्या होगा आप देखेंगे यहाँ पर आपके जो आइकन है ना वो यूआई कलर के हिसाब से चेंज हो चुके हैं। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर आपको ना एक और ऑप्शन मिल जाता है थीम्स वाला, यहाँ पर थीम्स पर क्लिक करना, और आपको यहाँ पर मोर डाउनलोड वाला भी ऑप्शन मिल जाता है, मतलब कि आप यहाँ पर आके कोई भी थीम डाउनलोड कर सकते हैं। अगली फीचर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको वॉलपेपर मिल जाते हैं बहुत सारे, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला वॉलपेपर आप लगाना चाहते हैं या फिर आप ये वाला लगाना चाहते हैं वो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर डाल सकते हैं। और गाइस यहाँ पर आप अपनी ना इमेज वगैरह भी डाल सकते हैं, मतलब कि अपना जो वॉलपेपर है वो लगाना चाहते हैं खुद का तो वो यहाँ से आप लगा पाएंगे। नेक्स्ट जैसे गाइस आपने अपने बच्चों को या फिर किसी को भी एक एप्लीकेशन ओपन करके दिया, यूट्यूब वगैरह ओपन करके दे दिया आपने इस तरह से, और अब वो क्या होता है इसे ना ऐसा बैक करके दूसरा एप्लीकेशन चालू करके देखेंगे, गैलरी मतलब कुछ भी ओपन करते रहते हैं, तो इसके इससे बचने के लिए ना आपको क्या करना है एक सेटिंग कर लेना है जैसे कि ये वाला एप्लीकेशन बस चलेगा और दूसरा एप्लीकेशन ओपन नहीं होने वाला है। तो आपको ना इसके लिए अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है, और फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं ऐप पिन करके, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ ऐप पिन, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऐप पिनिंग वाला, इसमें आप क्लिक करिएगा। अब क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं ये ऑफ है अभी, इसे आप ऑन कर लेना। अब ऑन करने के बाद में क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमने ये मैसेज ओपन करके दिया किसी को भी, अब ये वाली जो बटन है इसमें आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको ऐसे क्लिक करना है और ये पिन करके दे देना है। अब ये वाला जो एप्लीकेशन है ना पिन हो चुका है, अब देखेंगे आपका फ़ोन बैक भी नहीं होगा,
इधर भी आप क्लिक कर लो, इधर कर लो, कहीं पर भी आप कर लो, ये आपका फ़ोन बैक नहीं होने वाला है। ये वाला एप्लीकेशन बस चलेगा, देख सकते हैं, ये वाले एप्लीकेशन के अलावा दूसरा एप्लीकेशन ओपन नहीं होने वाला है। अब इसे बैक करने के लिए गाइस आपको इस तरह से करना है और आपका जो फ़ोन है ना वो बैक हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो आपका फ़ोन नॉर्मल था वैसा बन चुका है। आप इस तरह से आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर पाएंगे। नेक्स्ट गाइस, जो अभी आपको जो लाइट देखने को मिल रही है, मैंने इसे कैसे लगा है वो आगे आपको मैं बताने वाला हूँ। बस वीडियो को आपको ना एंड तक देखना है। अब बात कर लेते हैं गाइस अगले फीचर्स की। आपको ना अपने फोन की सेटिंग में जाना है और आपको मैं अच्छा फीचर्स बताने वाला हूँ। एक तो नीचे आना थोड़ा सा, और नीचे आने के बाद में आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर आ जाना है। अब यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे स्मार्ट मोशन वाला ऑप्शन मिल जाता है, इसमें आप क्लिक करिएगा। अब क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ वाला फीचर्स मिल जाता है। जैसे गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं राइज टू बैक वाला ऑप्शन है, इसे आप जैसे चालू कर लेते हैं। अब गाइस आपका फोन ऐसा बंद पड़ा हुआ है और आपने इस तरह से उठाया तो आपका फोन ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। देख सकते हैं आपको पावर बटन प्रेस करने की भी जरूरत नहीं है, इस तरह से आपका फोन रखा है, आपने इस तरह से उठाया और आपका फोन चालू हो जाएगा। इसी तरह आप देखेंगे यहाँ पर डुअल टैप टू बैक वाला ऑप्शन मिल जाता है, इसे आप चालू कर लेना। और ये जो नीचे ऑप्शन है डुअल टैप टर्न ऑन ऑफ वाला, इसे भी चालू कर लेना। अब आपका फोन इस तरह से होम स्क्रीन में है और आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका फोन बंद हो जाएगा। और इसी तरह आपका फोन बंद है और आप इस तरह से डबल क्लिक करते हैं तो आपका फोन चालू हो जाता है। तो ये जो फीचर्स है ना, ये वाले जो आपको मैंने बताया हूँ, इन तीनों को आप चालू कर लेना, आपके लिए यूजफुल होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं अगले फीचर्स की। आपको एक स्टेप बैक आना है यहाँ पर स्मार्ट मोशन में ही, और यहाँ पर आपको स्मार्ट कॉलिंग वाले फीचर्स मिल जाते हैं। अब गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको स्मार्ट कॉलिंग वाले बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि स्मार्ट कॉल वाला ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर। अब गाइस इसे चालू करने के बाद में आप देखेंगे आपको अपने फोन के डायलर में आना है और जो भी आपका नंबर ऊपर रहेगा, जैसे कि ये नंबर हमारा ऊपर है, कॉन्टेक्ट नंबर सबसे ऊपर है, बस आपको इसे इस तरह से अपने फोन को ना कान के पास में लेके जाना है और आपकी जो कॉल है वो ऑटोमेटिकली लग जाएगी। मतलब कि आपको ऐसा टच करने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपने फोन को कान के पास में लेके जाना है और आपका फोन ऑटोमेटिकली लग जाएगा। आपका ना जो भी कॉन्टेक्ट नंबर सबसे ऊपर रहता है उस वाले नंबर पे कॉल लग जाने वाली है। अब बात कर लेते हैं अगले फीचर्स की। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्मार्ट आंसर वाला भी ऑप्शन मिल जाता है, इसे आप चालू कर लेना। अब चालू करने के बाद में क्या होगा गाइस, जैसे कि आपका फोन कहीं पर रखा है और कोई इनकमिंग कॉल आ जाती है इस तरह से, बस आपको अपने फोन को ना आपके कान के पास में लेके जाना है और आपका फोन ऑटोमेटिकली पिकअप हो जाएगा। आपको ऐसा टच करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपके फोन को, बस आपको अपने फोन को कान के पास में लेके चले जाना है, आपका फोन ऑटोमेटिकली पिकअप हो जाएगा। अब इसी तरह गाइस यहाँ पर और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे स्मार्ट स्विच वाला ऑप्शन है, इसे भी आप चालू कर लेना। अब स्मार्ट स्विच मतलब कि जैसे कि आप कॉल में बात कर रहे हैं लाउड स्पीकर में किसी से इस तरह से हाथ में रखकर, और अब आपका ना फोन ऑटोमेटिकली कान के पास में जाएगा, जो लाउड स्पीकर था ना वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, आपको लाउड स्पीकर बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर और भी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि स्मार्ट म्यूट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपका फोन कहीं पर रखा है और इनकमिंग कॉल आ गई और बस आपको इस तरह से कर देना है तो आपका फोन ना म्यूट हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आप देखेंगे फ्लिप टू म्यूट वाला ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर इसे भी चालू कर लेना। अब आपकी कोई इनकमिंग कॉल आ रही है, आपका फोन यहाँ पर इस तरह से रखा है और आपको ना इस तरह से ऐसा पलट देना है, पलटते ही आपका जो इनकमिंग कॉल है ना वो साइलेंट मोड में चला जाएगा। तो इनको भी आप ट्राई करके जरूर देखिएगा। और हाँ गाइस, ये वाले फीचर्स कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले फीचर्स की ओर। तो इसके लिए ना आपको स्मार्ट कॉलिंग में ही एक स्टेप बैक आना है और यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा सेट टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट वाला, इसे आप चालू कर लेना। अब गाइस आपका फोन इस तरह से है और आपको ना इस तरह से हिलाना है तो आपका जो फ्लैश लाइट है ना वो चालू हो जाएगी, देख सकते हैं आप। तो अपने दोस्तों के सामने टसन जमाने के लिए ये वाला अच्छा फीचर्स है ना। अब बात कर लेते हैं अगले फीचर्स की। आपको इसके लिए बैक आना है ये शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में ही, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्विक एक्शन वाला। क्विक एक्शन मतलब कि गाइस जैसे कि आपका जो वॉल्यूम बटन है, वॉल्यूम डाउन बटन है, उससे आप ना कोई भी काम करा सकते हैं, जैसे किसी एप्लीकेशन को ओपन करा सकते हैं, फेसबुक को ओपन करा सकते हैं, कैमरा ओपन करा सकते हैं, या फिर रिकॉर्डिंग करा सकते हैं ऑटोमेटिकली जल्दी से। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ ये ओपन कैमरा करके। अब आप देखेंगे आपका फोन इस तरह से बंद रखा है कहीं पर, ऐसा बंद है, और ये जो वॉल्यूम बटन है ना इसे आपको प्रेस करके ऐसा छोड़ देना है और आपका जो कैमरा है ना वो चालू हो जाएगा। देख सकते हैं ये जो हमारा कैमरा है वो चालू हो चुका है। आप किसी भी एप्लीकेशन को भी ओपन करा सकते हैं, इसी तरह फेसबुक को भी, या फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको इतने सारे ऑप्शन एप्लीकेशन ओपन कराने वाले ऑप्शन मिल जाते हैं। अब एक स्टेप बैक आ जाइएगा
गाइस। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है इजी टच वाला। इजी टच जैसे गाइस ये काफी कमाल का फीचर है, आप इसे चालू कर लेना और ये साइड में ना रोबोट आ जाता है। रोबोट लाने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे एस्ट्रोनॉट पर क्लिक कर लेना। अभी जो हमारे एस्ट्रोनॉट भाई साहब हैं वो आ चुके होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इतने सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। और गाइस इन्हें आप कस्टम भी कर सकते हैं, जैसे कि आप यहीं से फ्लैश लाइट चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। आप यहाँ पर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, कैलकुलेटर ओपन करना चाहते हैं, स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ पर कस्टम मेन्यू पर आना और यहाँ पर आप किसी एप्लीकेशन को भी और ऐड कर पाएंगे। जैसे कि हम क्रोम कर लिए, ये इतने सारे हमने ऐड कर चुका है। अब बस आपको बैक आना है और ये जो हमारे भाई साहब हैं इनमें क्लिक करेंगे तो आपको इतने सारे जो फीचर्स हैं एप्लीकेशन है वो देखने को मिल जाएंगे। आप यहीं से किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आप देखो ये हमारा जो गैलरी है वो चालू हो चुकी है। अब यहाँ से इस तरह से आप देख सकते हैं, यहीं से फिर से आपको क्लिक करना है और आप मैसेज ओपन करना चाहते हैं तो ये मैसेज हमारा ओपन हो जाएगा। तो ये जो हमारे रोबोट भाई साहब है ना बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो इनको भी आप कहीं पर भी रख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर पर्सनलाइजेशन स्क्रीन में आना और यहाँ पर आप जो नींबू वगैरह है वो अपनी मर्जी से आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अब गाइस आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में ही आना है और थोड़ा सा नीचे आ जाइएगा। यहाँ पर आपको फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल वाला ऑप्शन मिल जाता है। आप किसी से भी व्हाट्सएप में या फिर कहीं पर भी वीडियो कॉल करते हैं ज़्यादातर, तो यहाँ पर ये वाले फीचर्स को चालू कर लेना, जिससे कि आप वीडियो कॉल करेंगे तो आपका जो फेस है ना वो ऐसा ब्यूटीफुल दिखने वाला है। अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। मगर यार अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के हम फीचर्स वाली वीडियो या फिर अनबॉक्सिंग और आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लेके आते रहते हैं। बैक आने के बाद में यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, मगर आपको मैं स्पेशल फीचर्स ही बताऊंगा जो आपके काम के हैं। यहाँ पर आपको वन हैंड पर क्लिक करना है और इसे आप चालू कर लेना। अब चालू करने के बाद में क्या होगा, आपको इस तरह से बस ऐसा करना है और आपका फ़ोन जो देखेंगे वन हैंड में आ चुका है। और आपको इसे कहीं पर भी लेके जाना है, मतलब कहीं पर भी रखना है, तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं। इसको आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो वो छोटा बड़ा भी आप कर पाएंगे। अब यार जो आपके फ़ोन में ना बहुत सारे डायनेमिक इफेक्ट मिल जाते हैं, चार्जिंग एनिमेशन, फिंगरप्रिंट एनिमेशन, लॉक स्क्रीन एनिमेशन, बहुत सारे एनिमेशन, इसके लिए आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद में आपको थोड़ा सा नीचे आना गाइस और यहाँ पर आपको डायनेमिक इफेक्ट मिल जाते हैं, इसमें आप क्लिक करिएगा। और मैं आपको बता दूँ, आपको मैं और भी स्पेशल फीचर्स आगे बताने वाला हूँ, इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे एम्बिएंट लाइट वाला ऑप्शन मिल जाता है, इसमें आप क्लिक करना। अब गाइस इन दोनों ऑप्शन को चालू कर लेना और थोड़ा सा नीचे आना। अब यहाँ पर इनकमिंग वाला ऑप्शन जाएगा। इनकमिंग मतलब कि गाइस कोई इनकमिंग कॉल आएगी तो इस तरह से जो आपकी इफेक्ट है ना वो देखने को मिलेगा आपको। तो इनका जो लाइटिंग इफेक्ट है वो भी आप चेंज कर पाएंगे इस तरह से। और आपको बहुत सारी यहाँ पर डिजाइन मिल जाती हैं, यहाँ पर आप कलर इनका चेंज कर सकते हैं, ग्रीन, ब्लू, रेड, या फिर आप ट्रांसपेरेंसी कितना दिखाना चाहते हैं, कितना नहीं दिखाना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। आप यहाँ से इनका विड्थ मतलब जो चौड़ाई है आपकी, इनको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इतना ज़्यादा देखेगा या फिर इतना कम देखेगा, वो सारा आपको यहाँ पर कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं। अब आपको गाइस एक स्टेप बैक आना है और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर नोटिफिकेशन में भी मिल जाता है कि नोटिफिकेशन में किस वाले एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आएगी। तो ये जो हमारी एम्बिएंट लाइट है वो देखने वाली है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वही वाला आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, कोई आपकी नोटिफिकेशन वगैरह आती है तो। और इसमें आप ड्यूरेशन डाल सकते हैं कि कितना टाइम तक ये ब्लिंक होगी, आपको कितना टाइम तक दिखाना है, कितने टाइम तक नहीं दिखाना है, वो आप सेट कर सकते हैं। अब आपको एक स्टेप बैक आना है और थोड़ा सा और नीचे आ जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे आने के बाद में फिंगरप्रिंट एनिमेशन मिल जाता है। आप जो फिंगरप्रिंट लगाते हैं ना यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से, तो आपको बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं, आप इनको भी सेट करके देख सकते हैं। एक स्टेप बैक आइएगा, जो हमारा फिंगरप्रिंट एनिमेशन आता है ना वो आप यहाँ पर चेंज कर पाएंगे, आपको जो भी पसंद है वो आप रख लेना। अब एक स्टेप बैक आना है गाइस और थोड़ा सा नीचे आने के बाद में आप देखेंगे फेस रिकॉग्नाइजेशन एनिमेशन ही मिल जाते हैं। जो आप फेस डालते हैं ना चेहरा, उसका जो एनिमेशन आता है वो भी एनिमेशन आप यहाँ पर चेंज कर पाएंगे। अब थोड़ा सा नीचे आने के बाद में आपको चार्जिंग एनिमेशन भी मिल जाते हैं। जी हाँ गाइस, आप चार्जिंग एनिमेशन बदलना चाहते हैं तो चार्जिंग एनिमेशन भी बदल सकते हैं। और इसी तरह यूएसबी केबल, मतलब इस तरह से आप फंसाते हैं तो यहाँ पर नीचे साइड में जो यूएसबी केबल का जो एनिमेशन है वो देखने को मिलेगा। आप इस तरह से लगाएंगे तो आपको अलग अलग एनिमेशन यहाँ पर देखने मिलेंगे। अब एक स्टेप बैक आना और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाइएगा, स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन, जो आपका फ़ोन है ना बंद होता है और चालू होता है किस तरह से एनिमेशन आना चाहिए वो आप देख सकते हैं इस तरह से या फिर कुछ इस तरह से, और बंद रहता है तो कोई भी एनिमेशन नहीं आता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बंद हुआ और चालू होगा
कुछ भी नहीं दिखा यहाँ पर, है ना। अब आप एनिमेशन चालू कर लेते हैं, जैसे कि हम ये वाले एनिमेशन चालू करके अप्लाई कर लेंगे। अब आप देखेंगे आपका फ़ोन कुछ इस तरह से बंद होने वाला है, आराम से बंद होगा और आराम से ऐसा चालू होने वाला है बिल्कुल एनिमेशन के साथ में। अब गाइस यहाँ पर आपको होम स्क्रीन इंटर एनिमेशन मिल जाता है, ये आप देखेंगे अभी ये बंद है तो कोई कुछ भी नहीं दिखा रहा है। आप ये चालू कर लेते हैं तो इस तरह से एनिमेशन आएगा, जैसे कि ये देख सकते हैं आपका जो आइकन वगैरह हैं कुछ इस तरह से ओपन होने वाले हैं। तो आप इनको भी ट्राई करके देखना, आपको पसंद आने वाला है। जैसे कि ये आईफोन वाला फीचर देखो, आईफोन में मिलता था ये, इस तरह से आप इसे भी अप्लाई करके देख सकते हैं। अब आपको बैक आना है गाइस। सो गाइस अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो रिंग लाइट है ना, मैंने इसे कैसे अप्लाई किया है। तो इसके लिए गाइस ना आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, रिंग रिंग करके इसका नाम है। ये वाला एप्लीकेशन आपको यहाँ पर प्ले स्टोर में मिल जाएगा, इसमें आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में, या फिर यहाँ नहीं मिलता है तो आप क्रोम ब्राउजर से भी डाउनलोड कर सकते हैं रिंग रिंग एप्लीकेशन। अब इसे ना क्या करना है, आपको इसे ओपन कर लेना है और ये जो आपका बंद रहेगा पहले से इसे आप ना चालू कर लेना और इसे एडजस्ट कर लीजिएगा, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, या फिर गाइस यहाँ पर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अभी मैंने तीनों में रेड रेड करके रखा है, आप यहाँ पर रेड या ब्लू ग्रीन कोई भी आप कलर यहाँ पर चूज कर सकते हैं। और आप बैटरी सेगमेंट के हिसाब से करना चाहते हैं तो यहाँ पर बैटरी सेगमेंट के हिसाब से भी इसका जो कलर है वो चूज कर पाएंगे। अब आप देखेंगे आप कहीं पर भी जाएंगे किसी भी एप्लीकेशन में तो ये जो आपको रिंग लाइट देखने को मिलेगी। और मुझे आप कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वाली जो रिंग लाइट है आपको कैसे लगती है और आप इसका यूज करते हैं या नहीं करते हैं, और करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले फीचर्स की ओर में। अब जैसे गाइस यहाँ पर जो आपको रिंग लाइट देखने को मिल रही है, आपके जो ऑरा लाइट बैक साइड में आपका इसका कलर चेंज करना है तो वो भी आप कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने फोन के सेटिंग में जाना है, मतलब यहाँ पर कैमरे की सेटिंग में जाना है और ऊपर साइड में आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो कलर आप इस तरह से करते हैं तो रेड हो जाता है और ये वाइट हो जाता है। मैं आपको बता देता हूँ अभी ये जो लाइट है हमारी ऑरा लाइट वो आपको सफ़ेद देखने को मिल रही है, और इसी तरह आप यहाँ पर रेड कर देंगे तो आप देखेंगे अभी ये जो कलर है इसका रेड हो चुका है। इसी तरह आप यहाँ पर देखो वाइट ये हो चुकी है, और इसी तरह आप ऐसा करेंगे तो ये जो हमारी रेड हो चुकी है। गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही है और जो बाकी के फीचर्स बचे हुए हैं मैं आपको अगले पार्ट में बताने वाला हूँ, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको अगले पार्ट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और हाँ गाइस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और यहाँ पर मैं आपको पार्ट टू की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकता हूँ या फिर यहाँ पर एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा, तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।